शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत जबरन चोरी का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में यश प्राप्त किया। आरोपी से और पूछताछ करने पर आरोपी ने और गुनाहों की कबूली की, जिसके बाद पुलिस ने उससे 2,57,000 का मुद्देमाल जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल को फिरियादी निकिता भियोनिया रात को घर के सामने अपने दोस्त के साथ घूम रही थी, जिस दौरान शालिकराम हॉल के सामने के रास्ते से विपरीत दिशा से आरोपी शाहिद अली वल गुलाम अली अपनी दोपहिया गाड़ी से सवार होकर आया और फिरियादी के गले से 15,000 रुपए का सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया। फिरियादी ने इस मामले की शिकायत शांतिनगर पुलिस को की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। शांतिनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत 23 तारीखला रात्रि एका चेन स्नॅचिंग की घटना झाली होती आणि त्यांना शांतिनगर पुलिस ने उघडकीस आलेला आहे। त्यामध्ये जे आरोपी आहे त्यांचे नाव आहे शाहिद अली वल गुलाम अली, ते कामठीचे रहिवासी आहे आणि फर्दर इंटरोगेशन मध्ये त्यांनी दुसरे गुन्हे पण उघडकीस आणून दिलेले आहे। त्यामध्ये एक का गुन्हा मानकापूरचा आहे चेन स्नॅचिंगचा आहे आणि एका हरुकेश्वरच्या रॉबरीचा आहे, एका जरीपटकाचा आहे आणि एका भिवावर पोलीस स्टेशनचा आहे। एकूण मिळून 2,57,000 मुद्देमाल त्यांनी दिलेला आहे, ज्या या 5 गुन्ह्यामध्ये आहे आणि जे नवीन गुन्हे जे उघडकीस आलेले न होते ते या 5 गुन्हे आहे। जब पुलिस ने इस संदर्भ में आरोपी से और पूछताछ की तो आरोपी ने अपने सारे गुनाहों की कबूली दी। पुलिस ने आरोपी से कुल 2,57,000 का मुद्देमाल जब्त किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।